को आप ऐसे समझिए जैसे दो टीमों में क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है। एक टीम के दोनों ओपनर्स जो हैं वो पिच पर पहुंच गए और दूसरी टीम ने ग्राउंड में फील्डिंग तक नहीं लगाई है, मतलब बॉलर की बात तो भूल जाइए। इस बैटिंग वाली टीम की तैयारी को आप देखिए, आधी आधी रात को बैठकों का दौर चल रहा है, वो भी एक या दो घंटे नहीं, 4.5 घंटे बैठक चलती है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी महासचिव बीएल संतोष और इसके अलावा पार्टी की पूरी केंद्रीय चुनाव समिति बैठती है। सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि 13 राज्यों पर बात हो गई है, 350 सीटों पर चर्चा हो गई है, 120 से ज्यादा उम्मीदवार फाइनल भी हो गए हैं। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश से 30 नाम फाइनल हुए हैं, उत्तर प्रदेश से 30 से ज्यादा नाम फाइनल हो चुके हैं। बैठक से क्या निकल कर आया है, वो लगभग 4.5 घंटे जो बैठक चली है। 17 सीटों वाले तेलंगाना में 3 मौजूदा सांसदों का टिकट पक्का बताया जा रहा है। केरल से 5 से 6 उम्मीदवार फाइनल है। 29 सीटों वाले मध्य प्रदेश में कुछ एमएलए हैं जिनको लोकसभा का टिकट मिलना एकदम तय माना जा रहा है। 11 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में 4 उम्मीदवारों के जो नाम है वो फाइनल हो गए। अब 3 तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 4.5 घंटे वो बैठक चलती है, 3:30 बजे तक चलती है, 3:30 बजे से लेकर 3:30 बजे, ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, ठीक है। रात 3 बजे ये बैठक की तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। फिर उसके बाद दोपहर 1 बजे क्या करते हैं, रोड शो करते हैं। फिर आइए आप दोपहर 3:15 बजे के आसपास पश्चिम बंगाल पहुंच जाते हैं। ये 12 घंटे की घड़ी है जो आपके सामने रखी है। 12 घंटे के अंदर अपनी चुनावी तैयारी का ट्रेलर दिखा दिया। आधी रात को 3 बजे दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक, 1 बजे कहां पहुंच जाते हैं, झारखंड, और 3 बजे पहुंच जाते हैं पश्चिम बंगाल। यानी आप इसे ऐसे देखिए कि यहां पर सीट फाइनल हुई, उम्मीदवार फाइनल हुए और अगले 12 घंटे में अलग अलग राज्यों में एजेंडा तक फाइनल हो गया। अब देखिए ना, पश्चिम बंगाल में रैली कर रहे थे, संदेश खाली की घटना का जिक्र किया और ममता सरकार पर शाजा शेख को बचाने का आरोप लगाया। 12 घंटे के अंदर पीएम मोदी ने चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए, एजेंडा सेट कर दिया। गूंज में आज के सबसे बड़े सवाल क्या है, सबसे पहले तो ये कि टिकट फाइनल करना क्या दिखाता है बीजेपी की तरफ से, क्या बीजेपी का आत्मविश्वास दिखाता है, चुनाव की पहली लड़ाई में ही क्या विपक्ष पिछड़ गया है, इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी रुकावट कौन बन रहा है। इन सवालों का जवाब देने के लिए आज गूंज में जो खास हमारे मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका जी, AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान जी, RLD से राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी, आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले जनता से भी, ये मेरा वादा रहता है कि सवाल आपसे भी होगा क्योंकि आप दर्शक है, व्यूअर है और वोटर भी है, आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किसकी जबरदस्त तैयारी है, बीजेपी की, बीजेपी प्लस यानी NDA की, कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, या फिर कोई नया मोर्चा वोट आप कीजिए, क्या लगता है आपको। रिजल्ट हम एंड में जरूर अनाउंस करेंगे।